हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो तुम्हारा पेपर है तो अच्छा खासा मैंने सॉल्व भी कर दिया है, तो लेक्चर टू ऑब्जेक्टिव्स का बना देता हूँ अच्छे से। ओके, आ जाओ। द डैश इज अ पर्सन फॉर हुम कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज अंडरटेकन। जिसके लिए काम किया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही है, और जो काम करता है वो कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, तो जिसके लिए काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ही, वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस देता है। तो एक इसके ऊपर बना के एक ब्लैंक्स आएगा। कॉस्ट ड्राइवर फॉर पर्सनल आर, पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स, तो उसमें रिक्रूटमेंट भी आता है, वर्कर का ट्रेनिंग भी आता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन भी आता है, मीन्स ऑल ऑफ द अबव आएगा। पर्सनल मतलब ह्यूमन होता है। ओके, अभी एक प्रॉब्लम आया सॉल्व करने के लिए। कंपनी हैज अ सेल ऑफ 4 लाख, 4 लाख का सेल है, चलो सेल ले लेते हैं। और पीवी रेशियो दिया 20%, तो 4 लाख पे अगर 20% निकालेंगे ना तो आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा, तो 4 लाख पे 20% 80,000 हो जाएगा। ओके, और फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, 30,000, तो फिक्स कॉस्ट कितना है, 30, तो दोनों का माइनस करेंगे तो आपको 50,000 क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 50,000 आंसर आ जाएगा। ओके, कॉस्ट लेजर कंटेंट्स, कॉस्ट लेजर के अंदर क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड भी आता है, स्टोर भी आता है, वेजेस भी आता है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अभी एक टॉपिक दिया है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट वर इज कंप्लीटेड एक्सटेंड ऑफ 20%, कितना परसेंट बोला, 25%, मतलब 25% से कम है ना तो उसको नोशनल प्रॉफिट का जीरो मिलेगा, कितना मिलेगा, जीरो। अगर मान लो 25 से 50% रहता, 25 to 50%, तो उसको 1/3 का प्रॉफिट मिलता, और मोर देन 50 रहता, लेस देन 90, तो 2/3 मिलता। तो इसके ऊपर भी एक ब्लैंक्स बन के आने वाला है, बी रेडी। ये भी इंपॉर्टेंट है, द इंटरलॉकिंग सिस्टम। तो इंटरलॉकिंग में क्या आता है, फाइनेंशियल अकाउंट और कॉस्ट अकाउंट दे आर सेपरेटली मेंटेन। अ सिस्टम वेयर सेपरेट अकाउंट्स आर केप्ट फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज कॉल्ड इंटरलॉकिंग बुक कीपिंग सिस्टम। ओके, अलग अलग बनता है कॉस्ट लेजर में। कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिटरमाइंड बाय, तो कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे पता चलता है, कॉस्ट शीट बैलेंस शीट नहीं, सेपरेट लेजर अकाउंट बना के मालूम पड़ता है। ओके, अभी इधर ये वाला टोटल कॉस्ट इनकर्ड, तो ये वाला सम अभी मैं बाद में सॉल्व करता हूँ, ट्रू ऑफ फॉल्स के बाद, ये वाला अभी बाजू में हेल्प करूंगा तब हो जाएगा। इधर बोला स्टैंडर्ड ओवरहेड 4 है, एक्चुअल 3.5 है, तो पहले एक काम करो, दोनों को माइनस करो, तो दोनों को माइनस करके तो 8 आ जाएगा, 0.50, और वेरियंस कितना है, 24,000 फेवरेबल, तो इधर फेवरेबल दिया। ओके, तो 24,000 को 0.50 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो तुमको 48,000 मिलेगा। तो ये था तुम्हारा एक्चुअल लेबर। ओके, एबनॉर्मल गेन, ये भी एग्जाम में आएगा, इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट माइनस नॉर्मल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा रहता है, नॉर्मल आउटपुट कम रहता है, ये एबनॉर्मल गेन का फॉर्मूला, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस रहता तो ये आता, नॉर्मल आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। अब ट्रू ऑफ फॉल्स में क्या दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, क्या दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इंप्रूव बाय डिक्रीजिंग वेरिएबल कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज कैसे कर सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, तो ये ट्रू है। ओके, इन टारगेटिंग कॉस्टिंग वेस्टफुल एक्टिविटी आर एलिमिनेटेड, यस, वेस्टफुल जो भी होता है टाइम पास वाला हटा देते हैं। इफ कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज 80%, कितना मिला, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो रिटेंशन मनी विल बी 25%, फॉल्स, 25% नहीं होगा। ओके, गलत है, इससे ज़्यादा होता है। डायरेक्ट वेजेस आर डेबिटेड टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट, नहीं, ये भी फॉल्स है, वो किस पे डेबिट होता है, वेजेस कंट्रोल में होता है। नॉर्मल लॉस इन प्रोसेस कॉस्टिंग इज कंट्रोलेबल, फॉल्स, एबनॉर्मल कॉस्ट कंट्रोलेबल है, नॉर्मल लॉस अनकंट्रोलेबल है। ओके, याद करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग, फॉल्स, टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, क्या है, टेक्निक है। एक्टिविटीज फ्रॉम बेस ऑफ ABC सिस्टम, एक्टिविटी किसका होता है, ABC सिस्टम, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ओके, ट्रू है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर एक्सप्रेस ऑन ए पर यूनिट बेसिस, ये भी ट्रू है। When selling price is at cost, जब selling price cost पे होगा तो contribution fixed cost equal होता है। ओके, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल। सेल वैल्यू ऑफ joint product is significant, yes, by product नहीं, joint product is significant, true है। और जैसे मैंने बोला था, sum solve करूँगा, तो इधर amount कितना दिया है, 69,920 amount spent किया। ओके, और units कितना था, input 19 होता, और normal loss कितना है, 1520 है, और normal units दिया है 190, कितना दिया है, 190, तो abnormal का value कितना रहेगा, ये तुम्हारा हो गया इनपुट, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल लॉस, है ना। तो क्या करेंगे, रेट के लिए पहले रेट ढूंढेंगे आप लोग, 69920 ये अमाउंट में से 1520 माइनस करेंगे, यूनिट्स में से ये यूनिट्स क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 आ जाएगा रेट। इसको उसको माइनस करो, इसको उसको माइनस करो, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कितना दिया है, लॉस यूनिट 30, तो 30 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1200, कितना आ जाएगा, 1200। तो ऐसा घुमा फिरा के सम भी आएगा, तो जो बच्चे ने सम सॉल्व किया उसका अच्छे से हो जाएगा, राइट। और जो रहा बात पेपर की, प्रोसेस अकाउंट तुमको करना है, मार्जिनल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, प्रोसेस 20 मार्क के लिए आएगा, सब सॉल्व है। और एक आएगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्या आने वाला तुमको, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट करके, तो ये सब पेपर में सम सॉल्व कर दिया तुम्हारे लिए, यू कैन चेक, आज ही अपलोड कर दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।